बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बगावत को लेकर बीजेपी आलाकमान गंभीर नजर आ रहा है। देवी सिंह भाटी का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। बीजेपी आलाकमान ने इस्तीफा मंजूर किया। अर्जुन राम मेघवाल के टिकट को लेकर नाराज थे देवी सिंह भाटी, और नाराज भाटी ने दे दिया था अपना इस्तीफा, और आज आलाकमान ने मंजूर कर लिया है भाटी का इस्तीफा। यानी अभी वक्त से देवी सिंह भाटी बीजेपी के न कार्यकर्ता न नेता, उनका इस्तीफा मंजूर यहां पर कर लिया गया, क्योंकि लगातार वो अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बयान दे रहे थे, खुलकर विरोध में आ गए थे। इस दौरान उन्होंने यहां तक बयान दिया था कि अगर अर्जुन राम मेघवाल का विरोध करना है तो विकल्प कुछ नहीं, कांग्रेस को वोट देना है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को देखना है। इस दौरान कल अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी के समर्थक आमने सामने भी नजर आए थे। अर्जुन राम मेघवाल को काले झंडे भी दिखाए गए थे, और ये बगावती सुर लगातार मुखर होते हुए दिखाई दे रहे थे। बीजेपी आलाकमान ने स्टैंड लिया है, और स्टैंड लेते हुए देवी सिंह भाटी ने जो इस्तीफा भेजा था उसको मंजूर यहां पर कर लिया है। मतलब ये कि देवी सिंह भाटी अब बीजेपी के ना कार्यकर्ता और ना ही नेता, उनको बीजेपी ने इस्तीफा मंजूर करके बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, बीकानेर की सियासत बदलती हुई, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल के लिए दो तरफा चुनौती। एक तरफ देवी सिंह भाटी जो कि अपनी ही पार्टी के नेता, वो बगावत कर रहे थे, और दूसरी तरफ मौसेरे भाई। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, जानना चाहेंगे समझाइश की कोशिश तो की गई होगी, लेकिन क्या यह माना जाए कि देवी सिंह भाटी अपने स्टैंड पर बरकरार है और इसीलिए इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया? देखिए, देवी सिंह भाटी ने पहले ही साफ कर दिया था बहुत दिन पहले, जब वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर रहे थे, कहें तो अर्जुन मेघवाल से बगावत कर रहे थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि अर्जुन मेघवाल को यदि टिकट मिलता है तो फिर वो पार्टी में रहकर उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो पार्टी से मुक्त होना चाहते हैं। तो उन्होंने पार्टी को पत्र लिखा और आखिरकार पार्टी ने मनाने की उन्हें कोशिश की, और अर्जुन मेघवाल के खिलाफ वो डटे रहे और वो अपने बयान पर जस का तस रहे, और आखिरकार पार्टी ने उन्हें प्राथमिक सदस्यता से मुक्त कर दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, इस दौरान देवी सिंह भाटी से संपर्क हो पाया? जी बिल्कुल, देवी सिंह भाटी फिलहाल अपने क्षेत्र में ही है, और वो जैसा कि पहले उन्होंने कहा है कि अर्जुन मेघवाल के खिलाफ वो प्रचार करेंगे, तो जस का तस उसी बयान पर है। यानी वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, मतलब इसका ही है? स्वाभाविक सी बात है, उनका वो राजनीतिक गलियारों में इस चीज को भले ही जोड़कर देखा जाता हो, लेकिन वो राजनीतिक गलियारों से परे खुद ही बयान देते हैं, और वो उनका ये आरोप भी रहता है कि उनकी खिलाफत अर्जुन मेघवाल ने करवाई थी, तो ऐसे में वो उनके खिलाफ रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई दिनों से कोशिश भी कर रहे थे उन्हें मनाने की, लेकिन मना नहीं पाए, क्या कहें कि वो माने नहीं। ये दोनों ही चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मना पाए और वो भी नहीं माने। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि हनुमान बेनीवाल की जो एंट्री हुई है, कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल की एंट्री को लेकर अर्जुन मेघवाल से भी एडवाइस किया गया था, क्योंकि अर्जुन मेघवाल के क्षेत्र में जाट बड़ी संख्या में वोटर हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल की जो वहां बीकानेर में कितनी सभाएं होती है, कितनी सभाओं को वो संबोधित करते हैं, तो यहां पर भले ही राजपूतों के वोट बैंक को लेकर देवी सिंह भाटी कह रहे हों, तो ऐसे में यदि राजपूत जो है वो देवी सिंह भाटी की बात मानते हैं, तो फिर ऐसे में हनुमान बेनीवाल जाटों को कितना साथ पाते हैं, ये भी देखने वाली बात। इस दौरान ऐश्वर्य प्रधान, ये भी हो सकता है कि देवी सिंह भाटी जितना डैमेज वहां पर करेंगे उसके जरिए जो अन्य राजपूत नेता बीजेपी के अंदर हैं, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो या बाकी हो, उनकी सभाएं वहां पर ज्यादा करा के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए? देखिए, यहाँ पर देवी सिंह भाटी की भी एक चीज देखनी पड़ेगी कि देवी सिंह भाटी सिर्फ और सिर्फ इसी सीट को लेकर विरोध करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुक्त कर दिया है संगठन से, और उनके उन्होंने खुद ने जो पत्र लिखा है उसके आधार पर उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया है, तो स्वाभाविक तौर पर क्या देवी सिंह भाटी अन्य इलाकों में भी जाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद होगा जिसको लेकर वो कहते आए हैं कि अर्जुन मेघवाल की वो खिलाफत करेंगे और क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। इसके चांसेस आपको कितने लग रहे हैं कि कांग्रेस उनको साथ ले?
देखिए स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है चुनाव से पहले, और ये जो सारी चीजें होती है, कोई भी पार्टी होती है वो दावा करती है कि अब ये हमारी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी प्रत्याशी हो और दूसरी पार्टी को जब पकड़ता है तो वो पार्टी उसे मंजूर करती है और उसकी अच्छाइयों को गिनाने लगती है। तो अब देवी सिंह भाटी है, उनसे स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस भी संपर्क करना चाहेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या देवी सिंह भाटी अकेले ही अपने दम पर उनका विरोध करेंगे या कांग्रेस का साथ देते हुए, यानी कि कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं या फिर कांग्रेस में एंट्री करते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि उनका आगे का स्टैंड क्या होगा। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, इस दौरान कोलाया से वो खुद भी हार चुके हैं, उनके पुत्रवधू ने चुनाव लड़ा वो भी हार गई। क्या वाकई में लगता है कि जो दबदबा देवी सिंह भाटी का दो चुनाव पहले हुआ करता था वो अभी भी है? देखिए ऐश्वर्य आपको रोकना चाहूंगा, देवी सिंह भाटी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवी सिंह भाटी जी, आपके इस्तीफे को बीजेपी पार्टी ने मंजूर कर लिया है सर? जी जी, ये हमने तो बहुत पहले दे दिया, अब ये उनका काम था, उनको निर्णय लेने में इतना समय लगा है, ये भी खूब रही भाई। लेकिन सर आप ये कह रहे थे कि आप विरोध सिर्फ अर्जुना मेघवाल का कर रहे हैं, बीजेपी का नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी नहीं कर रहे हैं? हाँ तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अर्जुन राम मोदी, अब वो सिर्फ एक नाम की वजह से आप मूल पार्टी को त्याग देंगे? अरे भाई अब हमने तो इसी कारण दिया भाई, हमने तो पहले सजेस्ट किया कि आप ऐसे गलत आदमी को जो पार्टी में रह के पार्टी के उम्मीदवारों की खिलाफत करता है, कांग्रेस वालों से मिलीभगत रखता है जी, ऐसे आदमी को टिकट मत दो, उन्होंने दे दी तो हमने इस्तीफा दे दिया। सर अब क्या करेंगे, क्या आप कांग्रेस के पक्ष में प्रचार वहां पर करेंगे अर्जुना मेघवाल को हराने के लिए? कांग्रेस के पक्ष में नहीं करूंगा, अब अर्जुना मेघवाल को हराना है जी, तो कांग्रेस को ही देंगे लोग वोट, और जिसके बहुत ज्यादा कोई अड़ी है जी वो अपने नोटा में दे दे। तो सर अगर अर्जुना मेघवाल को हराना है तो कांग्रेस को जिताना है, मतलब वहां पर साफ है? अरे कैसे समझो, ये समझने की आपकी बात है, इतनी लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, मैं इनको हराने के लिए इस मामले में तो कुछ भी कर लूंगा, बाकी कांग्रेस में मैं मर जाऊं तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं जाऊंगा जी। जिस देश इसने कांग्रेस ने सत्ता के पीछे इस देश के हजारों साल में इतने आक्रमण हुए टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस ने देश के टुकड़े करा दिए स्थायी तौर पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऐसी पार्टी में मैं जाऊंगा कभी? ठीक है सर, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप सिर्फ बीकानेर में ही प्रचार करेंगे, किसी और संसदीय सीट पर आप जाकर प्रचार नहीं करेंगे किसी के भी पक्ष या किसी के भी खिलाफ? पर मेरे समर्थक हैं जो जालौर में, पाली में, जोधपुर में भी ये बात कह रहे हैं कि भाई आप सारी बातों की जो हमारी नाराजगी है चारों सीटों के ऊपर जी वो सब पर बात करोगे तब वो वहाँ के जनप्रतिनिधि साथ जुड़ेंगे जी, तो वहाँ पर भी आप जाकर प्रचार कर सकते हैं किसी के पक्ष या किसी के खिलाफ में? नहीं अभी तो वो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता हैं जो वहाँ अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, अभी उन्होंने बात रखी है अपने पार्टी के लोगों के सामने जी कि आप चारों सीटों के ऊपर बैठ के मुद्दा तय करो तब हम कोई आगे चलेंगे। सर एक मूल पार्टी में आपने इस्तीफा दिया और इस्तीफा मंजूर हो गया, देवी सिंह भाटी के राजनीतिक करियर को आगे कैसे देखें? अरे भाई क्या हमने कोई मैंने कोई किसी पार्टी के पेट से जन्म लिया है क्या जी? मुझे पहले आरक्षण का हमने मुद्दा उठाया, आरक्षित को संरक्षण, उपेक्षित को आरक्षण, उस समय भी हमें पार्टी से निकाला था, हमने सामाजिक न्याय मंच खड़ा कर लिया जी। और आखिर में उस लड़ाई में 10% स्वर्णों को आरक्षण मिल गया, अभी भी हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी। तो सर इस लड़ाई को लड़ने के लिए कोई नया मंच तैयार होगा? देखो ये तो परिस्थितियां क्या बनती है वो सब, अभी जब तक जिंदा है शरीर है दिमाग काम कर रहा है जब तक मैं तो यही काम करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा लोगों के लिए, मुझे परवाह नहीं है क्या परिणाम होता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवी सिंह भाटी, इन्होंने इस्तीफा बीजेपी से दिया और बीजेपी ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया, लेकिन एक बड़ा बयान वो फर्स्ट इंडिया पर दे गए जिसके कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो क्या कांग्रेस में जा सकते हैं या कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकते हैं। दो बयान है, पहला बयान तो ये कि वो कह रहे हैं कि अर्जुना मेघवाल को हराने के लिए वो कुछ भी वहां पर करेंगे, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में भी प्रचार वो वहां पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा बयान उन्होंने कहा कि उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो भी वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे।